देवभोग पुलिस ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने एवं बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाला बरबहली के सोमनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोमनाथ पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी के बाद उसे भगाकर अपने घर ले गया। जब पीड़िता को पता चला आरोपी पहले से ही अपने मामा की लड़की को घर पर रखा है। पीड़िता अपने माता पिता के साथ देवभोग थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी पारुल माथुर, एएसपी चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन और एसडीओपी रुपेश डांडे के परिवेशन पर देवभोग थाना प्रभारी विकास बघेल और उसकी टीम ने आरोपी युवक का पतासाजी कर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी माह भर पहले से पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर झांसा देता रहा है। जब पुलिस को आरोपी का पता चला तो भाग न जाए इसलिए उसी के घर से घेराबंदी कर दबोच लिया। मामले पर पुलिस ने 363, 354 और बाल संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस पूरे कार्रवाई में एएसआई खुमान सिंह महिलांग, आरक्षक सुनील पांडे, राहुल तिवारी और महिला आरक्षक रेवती टंडन की विशेष भूमिका रही। देवभोग पुलिस ने बीते दो माह में झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में कुल 7 कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें 5 नाबालिग और 2 बालिग के साथ दुष्कर्म और झांसे के मामले हुए हैं। प्रभार लेने के बाद इस प्रकार के मामले को देख थाना प्रभारी विकास बघेल भी हैरान है। पूरा डिटेल बताएंगे। मामला थाना देवभोग क्षेत्र अंतर्गत का है। पीड़िता और आरोपी जो है विगत 1-1.5 महीने से जो है संपर्क में आए थे फोन के माध्यम से। उस दौरान इन दोनों के बीच जो है सहमति बनी और एक दूसरे को पसंद करना चालू कर दिए। इसी दरमियान जो है पीड़िता के गांव में जो है नाटक मंडली का कार्यक्रम था, उसी को देखने के लिए आरोपी भी उस गांव पहुंचा हुआ था। उसी दरमियान फिर से जो है पुनः इन लोग का संपर्क हुआ, मेन मुलाकात हुई। उसी दरमियान आरोपी के द्वारा जो है पीड़िता को बहला फुसला कर उसको ले जा करके उनके साथ जो है छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। और उसी दरमियान जो है कुछ समय पे उनके परिजन, पीड़िता के परिजन को पता चल गया, तो उसके बाद तत्काल जो है जाकर के पीड़िता और उनके जो है जो आरोपी थे उनको लेकर के तलब किया गया। उनको जो है दोनों मौके पे उपस्थित मिले, उनको जो है ले आकर के विधिवत कार्रवाई की गई है। आरोपी के विरुद्ध जो है थाना में जो है 363, 354 भादवी और पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई की गई है। आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।